गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास फिजिक्स. यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. क्या था डिस्पर्जन? जब वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म में से पास करवाते थे तो वाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट हो जाती थी? 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती थी और स्क्रीन के ऊपर उसका क्या बन जाता था? एक स्पेक्ट्रम बैंड बन जाता था. उस बैंड ऑफ कलर ऑफ लाइट को क्या बोला था हमने? स्पेक्ट्रम. ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन डबल प्रिज्म. न्यूटन डबल प्रिज्म क्या है? देखो, हमने क्या लिया था? एक प्रिज्म लिया था. पहले हम डिस्पर्जन का चेक करते हैं. प्रिज्म क्या था? ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बना हुआ था? 2. तो डिस्पर्जन कौन से वाले पे हो रहा था? फर्स्ट पे. स्पेक्ट्रम सेकेंड वाले पे. याद है ना? तो हमने क्या किया था, इस प्रिज्म में से वाइट लाइट को क्या करवा था? पास करवा था. फिर वो वाइट लाइट 7 कलर के अंदर क्या हो गई थी? स्प्लिट हो गई थी. ऐसा हुआ ना, 7 कलर के अंदर वो स्प्लिट हो गई थी. और तुमने देखा था कि जोन ज्यादा स्प्लिट हुई, जिसकी जो ज्यादा स्प्लिट हुई थी उसकी वेवलेंथ क्या थी? उतनी ही. जितनी जोन ज्यादा बैंड हुई, जिसकी बैंडिंग ज्यादा थी उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी बैंडिंग कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा. तो इस टाइप से 7 हो गए थे. यहाँ पे वी प्योर बन गया था. तो रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा थी और वी वाले की वेवलेंथ कम थी. वी प्योर की जो वॉयलेट वी थी, वी की वेवलेंथ कम क्यों थी? वॉयलेट की वेवलेंथ क्यों कम थी? क्योंकि इसके अंदर बैंडिंग ज्यादा थी. बैंडिंग ज्यादा तो इसकी वेवलेंथ कम. रेड वाले कम थी क्योंकि सबसे ऊपर है. रेंडिंग में बेंडिंग कम तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा. ठीक है ना? फिर न्यूटन ने क्या किया था, एक और प्रिज्म रखा इसके साइड में उल्टा. ये ऐसे रखा हुआ था, इसके साइड में भी उसने एक और प्रिज्म रखा ऐसे. और ये जो लाइट स्प्लिट हुई थी ना, वो फिर से क्या हुई? रिकम्बाइन हो गई. सारी की सारी वाली लाइट रिकम्बाइन हो गई और रिकम्बाइन होकर फिर से एक वाइट लाइट बन के निकल गई. किसने क्या आया? न्यूटन ने क्या किया? पहले तो हमने एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करवाया तो 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो गई जो कि विप्योर बन गया. वॉयलेट था जो उसकी वेवलेंथ कम थी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैंडिंग ज्यादा थी. रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा थी क्योंकि उसके अंदर बैंडिंग कम थी. ठीक है, फिर उसने साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया. इसी के साइड में उस प्रिज्म को क्या किया? इन्वर्ट करके रख दिया. और ये जितनी भी लाइट स्प्लिट हुई थी वो सारे के सारे लाइट फिर से रिकम्बाइन हो गई और रिकम्बाइन होके फिर से वाइट लाइट बन के निकल गई. इसी को उसने बोला न्यूटन डबल इफेक्ट ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो समझ आया न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन कौन सा है, क्या कुछ उसने किया, कैसे उसने लाइट को पास करा? ठीक है, क्या न्यूटन डबल इफेक्ट ऑफ प्रिज्म. नेक्स्ट जो आता है अपना टॉपिक, वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. किसमें से हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म. याद है लाइट वाले चैप्टर में हमने ग्लास स्लैब के अंदर से करवाया था. याद है कुछ ग्लास स्लैब में से करवाया था? तो पहले हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या था रिफ्लेक्शन? तो क्या होता है, जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब भी हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो लाइट क्या हो जाती? बैकबोन हो जाती. उस बैकबोनसिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जैसे कि तुम बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो वो बॉल वापस से बैकबोन होके तुम्हारे पास आ जाती है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन. समझ आया रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बैंड होना, बेंडिंग ऑफ लाइट. और बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या करती है? एंटर करती है. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वहां पे क्या होता है? बेंडिंग होती है लाइट. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का समझ आया क्या है? बैकबोन होती है लाइट और इसके अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम. तो देखो, पहले
दो मीडियम की हमने बात की थी, एक था रेयर एक था डेंस। दो मीडियम है रेयर एंड डेंस। तुम्हें पता है लाइट तीनों में से ट्रैवल करती है सॉलिड लिक्विड और गैस। तीनों मीडियम में से लाइट ट्रैवल करती है सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी, गैस में से भी। देखो एयर, एयर क्या है? गैस। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। एयर क्या है? गैस। एक बार एग्जांपल ले लो, देखो एयर क्या है? गैस। फिर आता है वाटर, वाटर में से भी लाइट पास करती है, वाटर क्या है? लिक्विड। फिर क्या आता है? ग्लास। ग्लास क्या है? सॉलिड। अब देखो एयर के मतलब उसके अंदर पार्टिकल क्या है? दूर दूर है। एयर में पार्टिकल दूर दूर है तो उसके अंदर भी जो लाइट है वो लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है। एयर में पार्टिकल दूर दूर है, ऐसे ही किसमें होता है? रेयर के अंदर होता है। जो रेयर मीडियम होता है इसके अंदर भी या तो बोलो पार्टिकल कम है या फिर बोलो पार्टिकल इसके अंदर भी दूर दूर है, ठीक है। फिर बात आती है वाटर। वाटर के अंदर एयर के कंपैरिजन में पार्टिकल थोड़े से ज्यादा है तो लाइट इसमें डेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जैसे तुम पानी के अंदर स्विमिंग करते हो, स्विमिंग करते हो तो तुम क्या करते हो? पानी को ऐसे हटाते हो, पार्टिकल को हटाते हो और फिर स्विमिंग करते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही तो वाटर किसका हो गया? लिक्विड का। फिर आता है ग्लास। यह जैसा है सॉलिड, इसमें लाइट और ज्यादा डेंस हो जाती है, ठीक है। तो किसके अंदर? रेयर में पार्टिकल कम कम होते हैं, डेंस में इसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल है, बताओ जब तुम चलते हो, चलते हो तो क्या करते हो? तुम पार्टिकल को दूर करते हो तभी चलते हो ना। अगर तुम एयर के अंदर हो, चल रहे हो और जो फोर्स अप्लाई किया अगर उसी से तुम पानी के अंदर जाते हो, उसी फोर्स पे उसमें स्विमिंग करते हो तो जो तुम्हारी स्पीड है वो डिक्रीज होगी या फिर कम होगी, बताओ। अब तुम पहले थे एयर के अंदर, एयर कैसा था? ग्लास, गैस वाला, पार्टिकल दूर दूर थे। तुम पार्टिकल को हटा रहे हो उतना ही फोर्स से तुम पानी के अंदर जाते हो, मतलब किसके अंदर गए? लिक्विड के अंदर गए। तो उसमें तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी जब तुम रेयर से कहाँ जाते हो? डेंसर की तरफ जाते हो। रेयर से डेंसर में गए तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, समझ आया? ये पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हें नोट करने अच्छे से। जब तक तुम्हें मीडियम का नहीं पता चलेगा तो तुम इसको डेरिवेशन को, इस डायग्राम को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक करना है, कल हम करते हैं कि हम एक प्रिज्म में से लाइट को कैसे पास करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक इसको अच्छे से करना है, ओके।